मुमरा का दूसरा नाम घोटाला, घोटाला ही घोटाला। दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए ये रोड के मसले के लिए अमीनाबाद के, जैसा कि आप जानते हो कि अमीनाबाद के रोड से जब यानी चांद नगर से आपको यानी जो MMLE में स्लाडर हाउस की जगह पर जहाँ कब्रिस्तान बना है वहाँ जब आना होता हो तो कितनी तकलीफ होती है, ये रोड कैसा ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पर यानी गंदगी कैसी रहती थी। तो ये सब देखते हुए हमारे यानी MIM की टीम की तरफ से जावेद भाई ने काफ़ी यानी 23/7/2020 को आप देख सकते हो कि उन्होंने पहला लेटर दिया। हम लोग यानी जो भी बात करते हैं हम यानी पेपर दिखाकर पुरावा दिखा करके बात करते हैं, हम सिर्फ यानी काम होने के बाद यानी वहाँ पर आ करके माइक लेकर के किसी के मार्गदर्शन में मैंने क्या करके बात नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो पूरा पेपर पे रहता है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आपके 2020 से मुसलसल ये रोड के लिए यहाँ के लोगों की तकलीफ के लिए ये TMC की तरफ से थप्पे जावेद भाई यहाँ पर लगे हुए थे कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए, यहाँ के लोगों को हमारी यानी प्रधानमंत्री माँ बहनों को यहाँ से गुजरने तकलीफ होती है, अंधेरा है, यहाँ पर लाइट नहीं है, रोड सही से बने नहीं है। तो हमको उस वक्त पता चला कि यहाँ पर ऑलरेडी टेंडर पास हो चुका है TMC से, जब यानी काफ़ी टाइम पत्र व्यवहार हुआ तो TMC ने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं है, PWD के अंडर में आता है और PWD से यहाँ से क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है, ऑर्डर पास हो चुका है। उसका वर्क ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, वर्क ऑर्डर 20/9/2019 में पास हुआ और अमाउंट आप सुनकर आप चौक जाओगे कि ये 30 मीटर के रोड के लिए उन लोगों ने 5 करोड़ 85 लाख 5 करोड़ 85 लाख 98 थाउजेंड ये उन लोगों ने ऑर्डर वर्क ऑर्डर आया उनका इतना अमाउंट पास हुआ, वो भी 12 महीने के लिए, जो उसकी वैलिडिटी थी 12 महीने थी, बारिश के महीने छोड़ करके। तो बारिश के 4 महीने हटाओ तो शायद वो 16 महीने चलता, यानी 16 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 20/9/2019 में वर्क ऑर्डर निकला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि शायद यहाँ के पैसे भी उठा लिए गए होंगे और ये काम भी नहीं हुआ। तो उसके लिए काफ़ी यानी फिर जब जावेद भाई को पता चला तो जावेद भाई ने यानी माहिती डाले उसके बारे में, पूरी डिटेल्स ली कि यहाँ काम ही नहीं हुआ तो पैसे कहाँ गए और इतना बड़ा स्कैम कहाँ पर हुआ कैसे हुआ। उसके बाद यानी PWD से 31/5/2022 को ये आखिरी लेटर इन्होंने दिया, पढ़ा दिया उसमें उन लोगों ने, हम लोग यानी जब उन्होंने देखा कि अब ये पोल खुल जाएगी लोगों तक ये पता चलेगा कि भ्रष्टाचार जो हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अकेला तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, जब एक रोड के लिए कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं और पैसे गए का उसका टर्म्स का जो टाइम का टर्म्स था वो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद उन लोगों ने लिखित में दिया कि इसको यानी हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है, इसको एक्सटेंड किया है ये कॉन्ट्रैक्ट को और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 31/5/2022 तक। तो अभी हम वेट कर रहे थे किसको दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था ये SKC श्री शाही ये कंपनी को दिया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी के नाम से लिया गया था। अब यहाँ पर भ्रष्टाचारी लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को ला करके अपने मन से ओपनिंग करके ऐसा बता रहे कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम था, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ थी। आज हमारा यहाँ जमा होने का मेन मुद्दा ये है कि 5 करोड़ 85 लाख यानी लगभग 6 करोड़ पास होता है 30 मीटर के रास्ते के लिए, और वो 6 करोड़ पास होने के बावजूद भी आज भी यहाँ की आवाम, यहाँ के आज भी हमारे यहाँ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे खेलते गुजरते हैं यहाँ से, हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन से वो गुजरते हैं, हमारी प्रधानशी माँ बहनें गुजरती हैं। और आपको बताऊँ कि यहाँ स्लाटर हाउस की जगह पर जो कब्रिस्तान बनाया गया है वहाँ पर मुसलसल यहाँ से जनाजे आ रहे हैं। आप ये रोड की हालत देखिए इस तरीके से छोड़ दिया गया, अभी आज मानसून लग जाएगा, बारिश लग जाएगी, यहाँ से गुजरेगा जब जनाजा किस हालत में गुजरेगा, यहाँ से जब गुजरेगा सीनियर सिटीजन किस हालत में गुजरेगा। पूरे 5 वार्ड की एक म्यूनसिपालिटी स्कूल है यहाँ पर, 5 वार्ड की एक म्यूनसिपालिटी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ के पूरे 5 वार्ड के बच्चे यहाँ पर आते पढ़ने के लिए, बच्चे कैसे आएंगे। तो उसके लिए हम आए थे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पर इंक्वायरी बैठे और ये काम जिसने भी लिया है जिसने भी पैसा खाया है चाहे फिर वो कोई मंत्री महोदय हो कोई नगर सेवक हो या कॉन्ट्रैक्टर हो वो जल्द से जल्द ये काम करें, तो हम इसको लेकर के कोर्ट चले जाएंगे। अभी इस रोड का काम तो शुरू हो गया, 27 फरवरी को जो है यहाँ पर बाकायदा उद्घाटन किया गया था, उसका काम तो शुरू हो गया। अभी अब जो रोड पहले थी वो अभी तो दिख रहा है एक रोड बन रही है, यही तो हमारे शहर की हालत है। एक एक रोड की ओपनिंग, एक एक यानी वार्ड में एक एक नाले गटर की ओपनिंग 5-5 बार की जाती है। अब ये यही ओपनिंग तो आपको याद होगा कि 2019 में भी हुई थी, फिर ये 2021 में भी हुई, अब वापस से हुई है। तो वही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो हम आए कि आप ओपनिंग तो बड़े ढल्ला से करते हो, अभी इलेक्शन पीरियड है क्या, इलेक्शन पीरियड के लिए लोगों को तकलीफ दे रहे हो कि तुम बाद में ये बता करके अपना वोट बैंक बनाने जाओगे, 5 साल जो लोग तकलीफ में रहे उनसे तुम आखिरी मोमेंट पे काम करके दिखा करके बोलोगे हमने काम किए, यही तो रोकने के लिए हम आए हुए कि हम ये पेपर्स पे बता रहे ना कि पेपर्स पे जब 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ तो क्यों छुपे मंत्री महोदय, क्यों नहीं सवाल कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से बुला करके कि 6 करोड़ तुमने उठाया हमारे शहर से, 6 करोड़ ये टैक्स पेयर का पैसा उठाया तुमने, 6 करोड़ यही जो टैक्स पेयर जो आज मेरी माँ बहन है यहाँ पर पानी की पाइपलाइन के लिए परेशान है जिनको ज्यादा ज्यादा बिल आ रहा है उनको उसके लिए उठाया तुमने, तो क्यों नहीं उनसे सवाल कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से वो पैसे लेकर के तुम चुप क्यों, काम क्यों नहीं किया अभी तक। देखिए पानी का भी जो मैं बताऊँ आज अमीनाबाद में पानी की इतनी प्रॉब्लम्स है, अभी मुझे पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर आकर के ये जो काम म्यूनसिपालिटी TMC की तरफ से हो रहा है, जो पानी विभाग की तरफ से हो रहा है TMC है उसको भी यानी यहाँ पर पाइपलाइन ये नया रोड बन रहा है तो जाहिर सी बात है नई पाइपलाइन गुजरेगी, नई पाइपलाइन गुजरेगी तो उसके लिए वापस से टैपिंग की जाएगी, तो जो टैपिंग जो काम फ्री में होना चाहिए था
वो यहाँ के कुछ यानी सो कॉल्ड नेताओं के गुंडे लोग ने कल 500 रुपया उसके टाइपिंग के नाम से ले लिए, तो कितना भ्रष्टाचार है। तुम 6-6 करोड़ खा जाते हो, उसके बाद तुम यानी गरीबों से 500 रुपया भी ले तो शर्म आती तुम्हारे को। ये 212 करोड़ का है, ये पानी की पाइपलाइन 212 करोड़। देखिए पानी की पाइपलाइन तो अभी मैंने रोड के बारे में आपको बताया, जावेद भाई तफसील से आपको पानी की पाइपलाइन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके का भ्रष्टाचार ये भी हो रहा है। आज अगर हमारी माँ बहन इतनी परेशान है, रात को 2 बजे पानी आता है यहाँ पर, 1 घंटे के लिए पानी आता है, इनको पानी भी सही से नहीं मिलता। आज हम यहाँ पर आए रोड का बताने के लिए, हम देख रहे हैं हमारी माँ बहने पूरे अपने घरों से निकल करके इतनी परेशानी में अपनी चीज़ें अपनी बातें बता रही है। और जब हमको बहुत अफसोस तब हुआ जब ये बताया गया कि कल हमको यही पाइपलाइन पर टाइपिंग के लिए भाई हमारे एक एक घरों से 500 रुपया लिया गया। आप सोचो कितनी टाइपिंग मार रहे हो, कितना पैसा ले रहे हो आप ऑलरेडी काम करके भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसमें पैसा बना रहे हो, उसके बावजूद जो पैसा लगेगा लीगली वो काम के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के पैसे से, उसके लिए भी आप आवाम से पैसा ले रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग यहाँ हैं। अभी जावेद भाई आपको पानी के रिलेटेड बता देंगे कि क्या है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। देखिए 15 साल से यहाँ पे मंत्री महोदय भी थे, आमदार भी थे, और यहाँ पे 4-4 भूखस नगर सेवक भी थे, लेकिन यहाँ की जनता को ना रोड सही मिल पाया आज तक, ना पानी मिल पाया। इसके लिए मजलिस के हम जो सिपाही हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके मार्गदर्शन में हमने इनके बताए हुए जनता से जो रिलेटेड काम है उस पर हमने लेटर डाला कि यहाँ पे जो पानी भर रहा है 15 साल से, ये पाइपलाइन पूरा सब टेपिंग कर करके पूरा ख़त्म हो गया है, नया पाइप। तो हमने लेटर डाला है वहाँ पे 21-1-2022 को डिप्टी इंजीनियर पानी पुराटा को दिया और थाने महानगर पालिका को दिया, वहाँ से फिर उन्होंने ये पाइपलाइन को उस दिन दुरुस्ती की है, मैं वहाँ पे खड़ा था, आपको भी शायद न्यूज़ के चैनल में मालूम है। दूसरी बात जो है 24 जनवरी 2022 को मैंने एक नया पाइप जो 212 करोड़ रुपया मुमरा शहर के लिए UTW नया पाइपलाइन करने के लिए सरकार ने पास किया था, वो किसी का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। तो उस सरकार को मैं पैसे से ये 6 इंच का पाइप जो है यहाँ पे जो डाला गया मेन लाइन से, वो हमारे लेटर के ऊपर हुआ है उद्घाटन। और नारियल तो यहाँ मुमरा में फोड़ते रहते हैं, अगर ये इनको यही होता तो 15 साल से ये काम जो पड़ा था अधूरा इसको करते थे, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता कौन नारियल फोड़ता है और कौन जो है यहाँ पे 500-500 रुपया लेता है, अल्लाह उन्हें देखेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। आज हम यहाँ पे हमारे सदन को लेके आए, यहाँ की जो जनता है उनको पानी से बहुत तकलीफ है, तो अभी यहाँ पे हर गाली में एक एक पाइप डाला जाएगा और सबको घर पे कनेक्शन दिया जाएगा। और प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, अगर पानी का प्रेशर इनको नहीं मिला तो पैसा कोई भरेगा नहीं, कोई मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। तब आपका काम है कि आप पैसा लेते हो, आप इनको सबको पानी दो। तो इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम पानी का पाइप डाल देंगे और पानी का पाइप डाल के सबके घरों में पानी जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे या म्यूनसिपाल्टी होगी, पानी पुराटा होगा, हम उनका गला पकड़ेंगे। इसमें आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, पानी मिल रहा 15 साल आप लोगों ने तकलीफ उठाए ये तो मैं भी देख रहा हूँ, आज तक ये दर्द किसी का आंसू पोंछे नहीं, सिर्फ इलेक्शन आया अभी ये क्यों पड़ा है, बारिश आ रही है, अगर बारिश हो जाएगा तो पानी पूरे घरों में जाएगा कि नहीं, ये टेंडर होके 2 साल हो गया है खत्म हो गया, तो मतलब ये इलेक्शन के लिए पड़ा था कि इलेक्शन में आएगा, मार्गदर्शन में हमने देखो रोड बना दिए, तो इनका काम ऐसा था। तो इस काम को हम लोग हमेशा पूरे मुमरा शहर के लिए आवाज उठाते हैं और इंशाल्लाह आवाज उठाते रहे। इस वक्त आने वाले दिन में जनता जो यहाँ की जनता है हकीकत बहुत अच्छी है, यहाँ की मेरी माँ बहनें पर्दा नसीब यहाँ के नौजवान ये कभी वोट के लिए पैसा नहीं लेते हैं, वो झोलन लोग पैसा लेते हैं, तो पैसा लेने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जनता समझती है कौन काम करता है। सर भाई मित्तल ग्राउंड का मेन रोड का काम बंद है, लगभग 2 महीने से काम बंद है, क्या वजह है उसकी, अचानक बंद हो गया? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जैसे कि यहाँ का भी जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा है, ये 6 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और ये जो मित्तल से जो रास्ता निकला है और जो MMLA की तरफ जाता है वो बाप है 17 करोड़, वो 110 करोड़ का वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी हम लोगों को भी सुनने में, हमने भी उसके पेपर मांगे हैं कि हमको पता चला है कि कोई यानी मंत्री महोदय के करीब ही उसके कॉन्ट्रैक्टर थे जो कभी NCP से नगर सेवक भी थे। इंशाल्लाह पेपर हाथ में आ जाएगा तो मैं नाम लेकर भी बताऊंगा कि थाना में कौन से वार्ड से थे और क्या थे, और उनकी कंपनी का नाम ओम साई था कि कौन सी साई था वो भी हम बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का उनका नाम बताएंगे, 110 करोड़ का था, और उस पर स्टे लाने वाले जहाँ से वो हारे वहाँ के जो नगर सेवक है उसका भी पूरा खुलासा करेंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार शहर में शहर की आवाम के पैसे से किया जा रहा है, वो पूरा हम लोग खोल के रखेंगे। फिलहाल हम उस पर नहीं आए, हम आए अभी यहाँ पर, अभी मैं आपको, ये मेरा फेसबुक लाइव है। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।